हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी तैयारी 3.0 का 1-5 का मैथ्स का जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर होगा वो हमारा 8वां होगा। इसमें हमने 18 से 19 क्वेश्चन अपडेटेड है, जिसमें कि लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आपको आधारित होगा। ठीक है, एग्जाम देने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन का जोर देखे जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि उनमें से एक को गणना से निकाल दिया जाए तो 6 संख्याओं को 17 प्राप्त होता है, तो निकाली गई संख्या कितना होगा। अब यहाँ से देखिए कि 6 संख्या का जो एवरेज है वो कितना आपको 16 है, तो टोटल गैंस कितना होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा आपको कितना होगा, 16 × 96 हो जाएगा। बोला उनमें से यदि एक संख्या गणना को हटा दिया निकाल दिया तो बचेगा कितना संख्या, 5 संख्या। तो 5 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, आपको 17 दिया हुआ, औसत कितना हो जाता है 17 होता है, तो यहाँ से टोटल कितना होगा 17 × 5 कितना होगा आपको 85 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बोला कि निकाली गई संख्या कौन सी होगी, निकाली गई संख्या ना, निकाली गई जो संख्या होगा यहाँ 85 है, यहाँ पे कितना आपको 96 है, 96 से 85 को घटा दीजिए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स √12 + √12 + √12 + ∞ का मूल कितना होगा, तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा, जैसे जैसे आपका 12 है, √12 कितना हो गया 12 हो गया प्लस इन्फिनिटिव दिया हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दो लगातार संख्या में तोड़ेंगे, ये कितना हो गया 3 गुना कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, लगातार संख्या होना चाहिए, 3 और 4 का गैप 1 होना चाहिए, 3 और 4 लगातार संख्या होगा। यदि प्रश्न आपका है ना, क्वेश्चन यदि आपका पॉजिटिव में हो तो क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू लेंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन यहाँ पे यदि नेगेटिव लगा हो, मतलब नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे। तो क्वेश्चन पॉजिटिव में तो कौन सा आंसर होगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, ये -4 नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ 4 आंसर होगा, ये गलत है, सी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा, -4 नहीं होगा, सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा इसका, सिर्फ 4 होगा, -4 नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आंसर 4 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन का दिया, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। अब देखिए प्रत्येक घन की घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जिसको में कई गो फलक होता है, एक नीचे हो गया, एक ऊपर फलक हो गया, ये साइड हो गया फलक, ये साइड हो गया, फिर ये वाला फलक हो गया, इसके सामने वाला फलक हो गया, तो टोटल कितना होता है, 6 फलक होता है, इसमें 6 फेस होता है, टोटल 6 फेस होता है। तो ये आईबीएफ का जो एक फेस होता है ना, ये आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है। इस फेस का परिमाप कितना दिया हुआ, इस फलक का परिमाप दिया हुआ कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है, तो इसके प्रत्येक भुजा आपस में क्या है आपको, बराबर है, तो ये 4a बराबर कितना हो जाएगा आपको, 24 हो जाएगा, a का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब a का मान निकल गया, a का मान निकल गया हमारा 6 सेंटीमीटर, क्या पूछा इसका आयतन, अब देखिए इसका क्या करना है आपको, वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम देखिए कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना होता है, 1 क्यूब होता है, तो 1 क्यूब, 1 का मान कितना निकल गया हमारा, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको, 216 cm³ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो आयतन का अनुपात कितना होगा। बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, π r² h होता है, ये हो गया r₁ h₁ कर देते हैं, दूसरा जो बेलन है उसका भी आयतन तो उतना ही है, लेकिन सिर्फ r और h चेंज होगा, ये h₂ होगा। अब देखिए यहाँ से पाई आपको काट दीजिए, तो r का मान यहाँ देखिए कितना है, 2 और 3 दिया हुआ है, यहाँ इधर कितना हो जाएगा 2 का² इधर कितना हो जाएगा 3 का² फिर ऊंचाई का अनुपात कितना है 5 है, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना गुना कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 × 4 = 5 कितना हो गया आपको 20 हो गया, इधर हो गया 3 × 3 = 9 कितना हो गया 27 हो गया, तो 20:27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी ए से 75% अधिक कुशल है। अब देखिए क्या है कि बी जो है ए से 75% अधिक कार्य करने में कुशल है, ये कितना होगा 175 हो जाएगा, 25 × 7 = 275 और 25 × 4 ये हो गया 7:4 में आ गया आपको। ठीक है, तो ये एक आपको देखिए क्या होता है, इफिशेंसी का जो फॉर्मूला होता है E₁ D₁ बराबर क्या होता है आपको E₂ D₂ होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, यहाँ भी E₁ है, यहाँ भी E₂ है, यहाँ D₁ यहाँ D₂ है। अब ये हमारा जो क्षमता है ना, यही आपका E₁ और E₂ का रेशियो है। यहाँ बोला कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और ए का क्षमता कितना है यहाँ पे, मतलब इफिशेंसी कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 4 गुना कर लीजिए। और यहाँ पूछा बी किसी काम को कितना दिन में करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना आपको 7 है,
कितना दिन में करेगा, वो हर दिन में करेगा। तो x दिन में करेगा तो ये कितना हो गया आपको 20 चौके 80 बटे कितना हो गया आपको 7 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको 1177 3 बटे 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा, 11 पूर्णांक 3 बटे 7। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। कहता कि प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो प्रथम पांच पहला पूर्ण संख्या कौन होगा, 0 होगा, फिर कौन होगा आपको 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो ये प्रथम पांच पूर्ण संख्या तो इसका योगफल कितना होगा, 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि संख्या 5, 5, 3, 7, 3, 6 में 7 का अंकित मान है ना, 7 का अंकित मान फेस वैल्यू स्थानीय मान और अंकित मान का योग कितना होगा। तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया प्लेस वैल्यू और ये हो गया आपको फेस वैल्यू। तो 7 का जो प्लेस वैल्यू कितना होगा आपको 700 होगा, ठीक है, और इसका जो फेस वैल्यू कितना होगा 7 होगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, ये हो गया 7, ये 0 हो गया, 707 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित को हल कीजिए। हल मतलब क्या है, गुना दिया हो आपको, ये क्या है रूट थ्री माइनस कितना हो गया रूट टू हो गया, इंटू क्या हो गया रूट थ्री प्लस रूट टू दिया हुआ है। आपको पता होगा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस कितना होता है बी स्क्वायर है, ए का मान ये हो गया और बी का मान क्या हो गया ये हो गया, ठीक है, ये ए का मान हो गया, ये क्या हो गया बी का मान हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो ए का मान कितना है यहाँ पर रूट थ्री का होल स्क्वायर और बी का मान कितना है रूट टू का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 3/8 प्लस क्या है, 3/8 कोमा 9/20 कोमा 15/16 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम जब किसी भी भिन्न संख्या का निकालना हो तो क्या करेंगे, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ निकाला जाता है। 3, 9, 15 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 3 तो कट जाएगा, यहाँ से 3 से देखें इसमें 3 3 9 3 5 15 5 6 15 कितना हो गया आपको 45 एलसीएम हो गया। अब 8, 20 और 16 का एचसीएफ निकाल लेते हैं ना, इसका एचसीएफ कितना होगा, ऐसी संख्या तीनों को काट दे तो 4 से कटेंगे, 4 2 8 4 5 20 4 4 16 अब किसी से नहीं कटेगा, तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया अब 4 हो गया, तो ये कितना होगा 45/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आपको, ए में है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि ए आपका कितना दिया हुआ है 633 पे पावर कितना दिया हुआ आपको 24 प्लस 266 पे पावर कितना दिया हुआ 40 का में, तो एक्स का मान का इकाई अंक कितना होगा, मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा। तो कैसे बनाते हैं, अंतिम दो डिजिट में 4 से भगा दे दीजिए, इसमें भी 4 से भगा दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको 0 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर कितना आता 0 आता है। यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो जो इकाई अंक है उस पर पावर हम 4 रखेंगे प्लस, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है आपको 0 आता है 6 पे पावर कितना रखेंगे 4 रखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 को 4 बार गुना करना 3 3 3 3 प्लस 6 6 6 6 अब देखिए 3 3 9 9 3 27 7 3 21 इकाई अंक यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, फिर 6 को 36 6 6 का 36 6 6 का 36 ये कितना हो गया 6 हो गया, 6 1 7 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, एक मतलब ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यदि इकाई अंक 0 1 5 6 होता है तो 6 का 6 होता, इसको नहीं भी बनाते इसका इकाई अंक कितना होता 6 का 6 होता, 0 रहता 0 का होता पावर कुछ भी रहे, 1 का 1 रहता ठीक है, 5 का 5 रहता 6 का 6 रहता आपका। चलिए अब देखिए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 प्लस 12 गुना 12 माइनस 12 भागा 12। बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है कि पहले भागा बनाइए, तो पहले भागा को सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 12 प्लस 12 गुना 12 माइनस 12 भागा 12 कितना हो गया 1 हो जाएगा। फिर रूल कहता है कि तब गुना कीजिए आप, ये हो गया 12 प्लस 144 माइनस 1। रूल कहता है कि जोड़ कीजिए फिर घटा करेंगे कितना होगा 156 माइनस 1 कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में उसने 100 रन बनाया जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ गया, उसका नया औसत कितना होगा। तो जब 12वीं पारी तक दिया हुआ है ना, तो 13वीं पारी टोटल पारी कितना आपको 13 है, 13 से पहले जितना पारी उसका औसत मान लीजिए कुछ 12वीं पारी का एवरेज मान लीजिए एक्स है, तो टोटल रन यहाँ से कितना हो जाएगा,
यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ये हो गया 12x, 12 पारी तक का कुल रन हो गया। 13वीं पारी में कितना रन बनाया, वो 108 रन बनाया। ये टोटल रन हो गया हमारा, पूरी पारी का टोटल रन हो गया बराबर। 12 पारी का एवरेज कितना है, x है। 13वीं पारी में उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 6 बढ़ जाता है। एवरेज को यदि हम पारी से गुणा करेंगे हमारा क्या आएगा, टोटल रन आएगा। ये भी टोटल रन हो गया, ये भी टोटल रन हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का मान आएगा 12x प्लस 108 हो गया। ये हो गया 13x, 13 का 100 कितना हो गया, 108 हो गया। 13 का 78 हो जाएगा ना, 13 का 78 हो गया। 12x 13x घटाएंगे x होगा, 108 में 73 घटा देंगे, 8 में से 3 गया कितना, 76 है ना, 8 है तो 8 में से 8 गया कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो गया 30। तो x का मान कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि उसका नया औसत कितना होगा, तो नया औसत देखिए कितना होगा, नया जो औसत होगा कितना होगा, x प्लस 6 होगा। ये हो गया 30 प्लस 6 कितना हो गया आपको, 36। इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। क्या है सवाल, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0, मूलों का गुणनफल। देखिए क्या होता है, मूलों का जो योग होता है क्या होता है, माइनस बी बा ए होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, सी बा ए होता है। अब यहाँ से बनाइए मूलों का गुणनफल, बोला सी बा ए, तो सी का मान कितना हो गया आपको, 6 हो गया। और ए का मान यहाँ पे दिया हुआ कितना, ये देखिए ये हो गया ए सी। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्वेशन होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी बराबर कितना, तो 0 होता है। मूलों का योग आपको कितना होता है, माइनस बी ए बाई बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो गया, गुणनफल हो गया सी बाई ए। तो अब देखिए सी की जगह क्या है, यहाँ पे 6 है, और ए की जगह क्या है आपको, 3 है। 6 बटे 3 सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एच सी एफ 7 है, उनका एलसीएम 434 है, इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर पहली संख्या गुना क्या होता है आपको, दूसरी संख्या होता है। एलसीएम आपका कितना दिया हुआ, 434 दिया हुआ है। एच सी एफ कितना दिया हुआ, 7, एक संख्या 14 दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। चलिए ये कितना हो गया आपको, 7 × 14 हो गया, इसको काटेंगे 2 × 4 तो कांदो 217 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक्स का 24% का 10% 240 के बराबर है। ये 240 के बराबर है मतलब यहाँ से क्या हो गया, एक्स गुना 24 बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया, गुना 10 बटे कितना हो गया, 100 हो गया, बराबर कितना हो गया, 240 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 0 1 0 कट गया, ये 24 24 भी आपका क्या हो गया, कट गया। x का मान कितना हो जाएगा आपको, 400, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न आंकड़ों के माध्यक और माध्य के बीच का अंतर कितना होगा। तो पहले आप जब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन हो गया आपको, 3 हो गया, 3 लिख लीजिए। फिर कौन होगा आपको, 5 होगा, 5 लिख लीजिए, 3 5। उसके बाद क्या हो गया आपको, 8 हो गया, 8 के बाद क्या हो जाएगा आपको, 12 हो जाएगा, 12 के बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 15 हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा। तो माध्य के लिए क्या करने करेंगे, सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 से भगा देते हैं, सबको जोड़िए पहले। 20 15 कितना हो गया आपको, 35 35 12 47, 47 3 50 50 5 55 55 8 कितना हो गया, 55 8 63 बटे कितना हो गया आपको, 6 हो गया, 63 बटे कितना हो गया आपको, 6 हो गया। अरे यार, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों का माध्यक और माध्य के बीच का अंतर कितना होगा। तो माध्यिका पहले निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो माध्यिका निकालने क्या कहिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए आप। तो सबसे छोटा कौन हो गया आपको, 3 हो गया, 3 लिख लीजिए आप, 3 लिख लीजिए। फिर उसके बाद कौन हो गया, 5 को लिख लीजिए आप, 5 हो गया हमारा। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को लिख लीजिए,
आठ के बाद क्या हो जाएगा आपको, बारह हो जाएगा, बारह को लिख लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, बारह के बाद क्या हो जाएगा आपको, चौदह हो जाएगा, चौदह लिख लीजिए, चौदह हो गया। फिर पंद्रह, फिर क्या हो गया आपको, बीस हो गया। तो माध्यिका के लिए देखिए क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, जब सात में डाटा हो तो बीच में तो होगा ही, तीन इधर से काट दीजिए, तीन इधर से काट दीजिए, बीच में क्या बचा आपको, बारह। ये हमारा क्या हो गया आपको, माध्यिका हो गया। अब माध्य के लिए क्या करना है, सभी को जोड़ के सात से भगा देना है ना, है ना। ये कितना हो गया, पाँच तीन आठ, आठ आठ सोलह, सोलह दस, सोलह सोलह दस कितना हो गया, छब्बीस दो अट्ठाईस दस, अड़तीस चार, अड़तीस चार बयालीस, बयालीस बयालीस दस कितना हो गया, बावन पाँच सत्तावन, सत्तावन बीस कितना हो गया आपको, सत्तावन बीस सतहत्तर। काटेंगे कितना हो गया, ग्यारह हो गया। पूछा कि दोनों का अंतर कितना होगा, बारह में से ग्यारह घटा देंगे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपका, रूट अंडर वन प्लस एक्स बटे एक सौ चौवालीस बराबर तेरह बटे कितना दिया है, बारह दिया है। तो अब यहाँ से देखिए कि स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायर करेंगे क्या होगा, वन प्लस एक्स बटे चौवालीस हो जाएगा बराबर कितना हो गया, एक सौ उनहत्तर बटे कितना हो गया, एक सौ चौवालीस हो जाएगा। इधर एक सौ चौवालीस एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा एक सौ चौवालीस प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, एक सौ उनहत्तर बटे कितना हो गया, एक सौ चौवालीस हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक सौ चौवालीस कट गया तो एक्स का मान कितना होगा, एक सौ उनहत्तर में से एक सौ चौवालीस को घटा देंगे तो पच्चीस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथक यदि कोई चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है और तो समान ब्याज की दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो गुणात्मक रिलेशन देखिए दोनों का दिया हुआ, दोनों का गुणात्मक रिलेशन देखिए कितना दिया हुआ, जो गुणात्मक रिलेशन है वो देखिए कितना दिया हुआ, एक का दुगुना है, दूसरा का कितना हमको 16 है, तो दो पे कितना पावर रखेंगे, 16 हो जाएगा। तो कितना होगा, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16 हो गया, पावर कितना हो गया, चार हो गया। इस पावर को चार को क्या करेंगे, समय से गुना करेंगे, समय हमारा कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 10 से गुना कर दीजिएगा हमारा 40 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, भिन्न का जोड़ दिया हुआ है, है ना, दो बट्टे तीन हो गया प्लस वन बट्टे कितना दिया हुआ, वन प्लस चार बट्टे कितना हमको पाँच हो गया, माइनस पाँच बट्टे छः हो गया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया दो बट्टे तीन, ये हो गया वन, एलसीएम कितना आएगा पाँच, पाँच चार नौ बट्टे कितना हो गया आपको पाँच हो गया, माइनस पाँच बट्टे छः हो गया, ये हो गया दो बट्टे तीन हो गया प्लस, ये कितना होगा पाँच बट्टे नौ, माइनस कितना हो गया पाँच बट्टे छः हो गया। अब चलिए यहाँ पर तीन नौ छः का एलसीएम निकाल लीजिए, तीन छः नौ का जो एलसीएम आएगा आपको कितना आएगा, आपको ये हो गया तीन से तीन दूनी छः, तीन तीन नौ, तीन दूनी छः तीन कितना हो गया आपको अठारह हो गया, अठारह इसका एलसीएम आएगा, तीन छः का अठारह हो गया, छः दूनी बारह हो गया, नौ दूनी अठारह हो गया, पाँच दूनी दस हो गया, छः दूनी अठारह हो गया, पाँच से कितना हो गया पंद्रह हो गया, बाईस में से पंद्रह घटा देंगे कितना हो गया, सात बटे कितना होगा हमारा अठारह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि पंद्रह बटे सोलह और इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर कितना होगा, एक पंद्रह बटे सोलह हो गया और दूसरा कितना हो गया सोलह बटे कितना होगा आपको पाँच हो गया, इसका व्युत्क्रम ये हो गया। तो इसमें बोला कि इसका बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा, धनात्मक अंतर का मतलब बोला कि जो पॉजिटिव अंतर होगा वो कितना होगा, इसका मतलब बड़ा में से छोटा घटाना होगा, ये बड़ा हो गया, ये हमारा क्या हो गया आपको छोटा हो गया, ये हो गया सोलह बटे पाँच, माइनस कितना हो गया पाँच बटे सोलह हो गया। एलसीएम कितना आएगा आपको अस्सी आएगा, ये सोलह सोलह कितना हो गया दो सौ छप्पन हो गया, माइनस सोलह पंचासी पचो पच्चीस हो गया, इसको घटा छः में से पाँच गया एक हो गया, पाँच में से दो गया कितना हो गया तीन हो गया, ये हो गया दो सौ इकतीस बटे कितना हो गया अस्सी हो गया। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा हमारा आठ दूनी सोलह, मतलब इसको भागा देके देखिए यदि आपको दिक्कत है, दो सौ इकतीस आठ दूनी कितना हो गया सोलह हो गया, ये हो गया एक, ये हो गया सात छः तेरह है ना एक, तो ये कितना हो जाएगा आपको दो पूर्णांक इकहत्तर बट्टे कितना हो जाएगा आपको अस्सी हो जाएगा, दो पूर्णांक इकहत्तर बट्टे अस्सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, दो पूर्णांक इकहत्तर बट्टे अस्सी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, मिलते अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।